महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पांचवें और अंतिम चरण के लिए लड़ाई तेज हो गई है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। प्रवासी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए उद्धव सेना और कांग्रेस ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वह उद्धव के वोटरों को अपने खेमे में मिलाने के लिए बीजेपी और शिंदे सेना किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रही। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा सीट पर लड़ाई अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। एक दूसरे के मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा और उद्धव सेना के संजय दीना पाटिल ने हिंदू मुस्लिम से लेकर गुजराती बना मराठी कार्ड खेला है, लेकिन वोटर जागरूक दिखाई दे रहा है। इनका खेल कितना सफल होता है ये तो 4 जून को नतीजों के बाद सामने आएगा। लेकिन आपको यहाँ का समीकरण समझाते हैं। उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी को उम्मीदवार बदलना अब भारी पड़ रहा है। अब इसका एहसास बीजेपी नेताओं को भी होने लगा है। उत्तर पूर्व सीट पर भांडुप, कांजुरमार्ग, विक्रौली और घाटकोपर पश्चिम क्षेत्र को शिवसेना के कट्टर समर्थकों का एरिया माना जाता है। इन इलाकों में शिव सैनिकों का जबरदस्त समर्थन संजय पाटिल को मिलता दिखाई दे रहा है, जो कि MVA के प्रत्याशी है। बीजेपी के मिहिर कोटेचा ने भी शिवसेना के प्रभाव वाले इन इलाकों में कई पद यात्राएं और बैठकें की है, लेकिन अब तक बाला साहेब ठाकरे के मतदाताओं को बीजेपी की ओर खींचने में सफल नहीं हुए। इन क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ नहीं रही। हालांकि पूर्व सांसद मनोज कोटक की अपनी व्यक्तिगत पकड़ जरूर है। बाला साहेब के समर्थक टस से मस नहीं होने पाए, इस पर संजय पाटिल भी लगे हुए हैं। मुलुंड घाटकों पर पूर्व का क्षेत्र बीजेपी के समर्थकों का माना जाता है, लेकिन रमाबाई कॉलोनी कामराज नगर संजय पाटिल के साथ दिखाई दे रहा है। मानखुट शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल है, जहां संजय पाटिल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यहां के वोटरों को पटाने के लिए मिहिर की रणनीति सफल होती फिलहाल तो नहीं दिख रही। हालांकि मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में है, पर वो इतने प्रभावशाली नहीं कि बीजेपी को इसका फायदा मिले। कोटेचा और पाटिल के समर्थक यहाँ के चुनाव को हिंदू बना मुस्लिम और गुजराती राजस्थानी उत्तर भारतीय बना मराठी बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब तक इसमें कोई सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों ही उम्मीदवार के लोग कहते हैं कि 6 विधानसभा क्षेत्र में मुलुंड और घाटकों पर पूर्व कोटेचा को बड़ी बढ़त मिल सकती है, तो संजय पाटिल को भांडो, विक्रौली और मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा में बढ़त मिल सकती है। घाटकों पर पश्चिम विधानसभा में किसी को ज्यादा बढ़त नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी के लोग दबे स्वर में अब कहने लगे हैं कि मोदी पर ही सब कुछ टिका हुआ है। उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सबसे सुरक्षित सीट समझकर उतारा है, तो कांग्रेस ने भूषण पाटिल को अवसर दिया है। यहाँ भी हिंदू बनाम मुस्लिम और गुजराती राजस्थानी उत्तर भारतीय बनाम मराठी बनाने की पुरजोर कोशिश जारी है, पर दोनों ही सफल नहीं होते दिखाई दे रहे। कांग्रेस के उम्मीदवार भूषण पाटिल कहते हैं कि उनकी पत्नी जैन समाज से, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दक्षिण मुंबई से शिंदे सेना ने यामिनी जाधव को उम्मीदवारी देकर मराठी वोटों में सेन लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन दक्षिण मुंबई में मराठी वोटरों के साथ साथ मुस्लिम वोट भी डिसाइडिंग फैक्टर है। इस बार मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि यामिनी जाधव और उनके पति यशवंत जाधव मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। पार्टी पहले मान रही थी कि मलबार हिल, कोलाबा, वर्ली और भाईकला विधानसभा में यामिनी को बढ़त मिलेगी, क्योंकि शिवडी विधानसभा में यशवंत जाधव का अपना खुद का जनसंपर्क का जाल है, इसीलिए वहां से भी फायदा होगा। हालांकि दूसरी तरफ उद्धव सेना के अरविंद सावंत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।